अबे भाई ये टीमों को इंडिया के खिलाफ हो क्या रहा है आजकल। मतलब साउथ अफ्रीका जैसी टीम जो कहीं 400 रन बना रही है और सेकंड नंबर पे आईसीसी के टेबल पे ये वर्ल्ड कप के, वो जो है 83 पे इंडिया ने उनको ऑल आउट कर दिया। उसके अलावा जो है वो आपका क्या कहते हैं श्रीलंका को 55 पे ऑल आउट कर दिया। मतलब सही लपेट लपेट के मार रहा है इंडिया सबको, फुल वन साइडेड वो चल रहा है, अपने घर का शेर चल रहा है बिल्कुल। होम ग्राउंड पे इंडिया जो है ना सबको लपेट लपेट के दे रहा है। मतलब यार और अजीब ऐसा सीन लग रहा होता है कि जब अगली टीम के साथ, जब इंडिया के साथ मैच होता है ना, इंडिया शायद पहले कोई खाने वाने में कुछ मिला देता है या कोई पक्की या कोई नींद की गोली दे देता है, कुछ चर्स ऐसी पिला देता है कि सब टनारी में छाए हुए होते हैं, इंडिया के खिलाफ कुछ कर ही नहीं पा रहे होते। वैसे जो है 300-400 रन बना रहे होते हैं, इंडिया के खिलाफ पता नहीं भाई क्या हो जाता है उनको। अजीब सी कहानी चल रही है। लेकिन यार असल जो सबको जो इंतज़ार है वो तो इंडिया पाकिस्तान के मैच का है, जो कि सेमीफाइनल में हो जाए अगर तो, क्योंकि अल्लाह ताला की सपोर्ट जिस तरह चल रही है पाकिस्तान के साथ, तो कोई भरोसा नहीं कि भाई पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल में पहुंच जाए। और अगर इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल हो गया तो भाई सारे पैसे वसूल हो जाएंगे। मतलब पाकिस्तान की सारी गलती माफ़, ये मैच एक तरह, पूरा वर्ल्ड कप एक तरह, और सबकी उम्मीदें इसी पर लगी हुई है। लेकिन यार इंडिया जितना चौड़े में चल रहा ना जी होम ग्राउंड पर और अनडिफीटेड चल रहा है पूरे टूर्नामेंट में सो फार, लेकिन इंडिया का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड पुराने वर्ल्ड कप्स वगैरह का देखें, इफ यू गो डाउन द मेमोरी लेन, तो वो इतना खास नहीं है भाई। अगर आप बात करते हैं 2014 से अगर आप चलते हैं आगे, तो 2014 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया फाइनल हारा था। उसके बाद 2015 के ICC ODI जो आपका वर्ल्ड कप होता है उसमें इंडिया सेमीफाइनल हारा था। उसके बाद 2016 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया दोबारा सेमीफाइनल हारा था। उसके बाद 2017 में जो यादगार चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी जिसमें इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हुआ था, इंडिया फाइनल हारा था। वो तो भाई पाकिस्तान अनडिफीटेड और वो रह गया था ना, रेनिंग चैंपियन फॉर एवर टाइप रह गया था, क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी डिसकंटिन्यू हो गई थी, अभी दोबारा कंटिन्यू हुई है। उसके बाद 2019 के वर्ल्ड कप में इंडिया दोबारा सेमीफाइनल न्यूजीलैंड से हारा था। तो भाई इंडिया जितना भी जीत ले जो भी है, इंडिया का भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना फाइनल और सेमीफाइनल का कोई इतना खास नहीं है। तो भाई और ये जो आपके सेमीफाइनल ऑनवर्ड्स जो मैचेस होंगे ये तो भाई नॉकआउट वाले होंगे ना, मतलब माइक टायसन का पंच चाहिए बिल्कुल। एक मैच भी आ रहे चाहे बाकी सारे मैचेस जीतो, सिर्फ एक मैच आ रहे और टूर्नामेंट से टाऊं बाहर, तो भाई क्या कहते हैं इतना उसकी जरूरत नहीं है। अभी भी पिक्चर बाकी है मेरे भाई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।